व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय न्यू वीडियो। सो भाई, आज का वीडियो मैं सुबह नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, सीधे वर्कआउट के टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। बिकॉज वही सुबह सुबह ब्रेकफास्ट एंड एक दिन मैं सोया छोड़ देता हूँ और वही केला बादाम क्या दिखाऊँ आपको, तो मैं सीधा वर्कआउट के टाइम पर आया हूँ। एंड आज कुछ चीज़ स्पेशल है आपके लिए जो आपको बहुत काम आ सकती है। सो पहले वो चीज़ दिखाता हूँ, फिर बात करता हूँ। ARG9 क्या है आपको मैं कम शब्दों में बताऊं तो आप समझ जाओगे, एक वर्कआउट का ही पार्ट है। और ये ARG9 काम क्या करता है, आपको दो तीन चीज़ में बेनिफिट बताऊं तो एक समझ लो एनर्जी ड्रिंक है, प्लस एक बार ये पीने के बाद, मतलब एक टाइम आपने पी लिया सो एकदम ऐसा लगेगा कि एक नंबर पंप आ गया है, मतलब एक फुल ऑफ पंप बॉडी हो जाएगी, एकदम सेटिस्फाइड बॉडी हो जाएगी। बट हफ्ते में सिर्फ मैं तो जब आज से जब 4-5 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए मैं जिम गया नहीं, पर जब जिम जाता था मैं खाली महीने में एक बार लेता था या दो बार लेता था। सो बस महीने में एक दो बार लेना। और क्या बोलते हैं, इसकी प्राइस मैं बोलूँ तो एकदम चीप है, ओनली 50 का ही है। खाली आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है 51 रुपीज़ का है खाली, मतलब 50 का ही है। और ये देखो, और ये एकदम शुगर फ्री है, ऑरेंज लेमन फ्लेवर है। तो आपने पता लगी कि ऑरेंज फ्लेवर है तो आप समझ एकदम ग्लूकोज का टेस्ट आएगा, मतलब ऐसा कड़वा नहीं है, कोई खट्टा नहीं है, एकदम स्मूथ टेस्ट है। प्लस इसमें दो कंपनी आती है, दोनों में से कोई भी कंपनी लो, एक ब्लू आता है, कंपनी में बताऊँगा समझ नहीं आएगा बट कलर समझ, एक ब्लू आता है, एक यहाँ पे जो फ्रंट में जो ब्लू दिख रहा है ना, इसके यहाँ पे मैरून कलर का रेड कलर आएगा, वो भी चलेगा, वो भी सेम प्राइस और सेम ही है, खाली फ्लेवर भी अलग आ सकते हैं। फ्लेवर मैंने एक ही लिया है खाली। और सो फ्लेवर मैंने बता दिया, प्राइस मैंने बता दिया, यूज़ कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया, एंड और क्या कुछ, बस बेनिफिट में मैंने बता दिया। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको साइड इफेक्ट कर देगा, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं। बट ये ऐसा है कि बस वर्कआउट करते समय थोड़ा थोड़ा जैसे पानी पीते या कुछ आप एनर्जी ड्रिंक लेके जाते वैसे पीते, वैसे एक बोतल में भर लो एंड पीते रहो वर्कआउट करते। अब पानी कितना वो मैं भरता हूँ आप देख, बोतल है एक तो ये क्या बोलते हैं BC Double है और ये ARG9 के लिए, और एक बोतल है मेरे पास जो प्रोटीन पीने के लिए, तो उसमें से एक ये बोतल, तो उसमें हम डालते हैं ARG9 और दिखाता हूँ। देखा आपने, खाली इतना सिंपली पानी डालना है, इसको डालना है एंड देन शेक इट। और पानी कितना डालना है, पानी कम से कम 200 ml तक ही रखना, 200 या 200 के नीचे, बस इतने से ज़्यादा वो काम का नहीं पानी होगा। देन शेक इट और मिक्स एक सेकंड में हो जाएगा, बस एक बार शेक किया ख़त्म। और अंदर का दिखाता हूँ आपको, पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा तो इसमें मैं थोड़ा डाल के दिखा देता हूँ। तो लुक एकदम ऑरेंज हो गया और एकदम ग्लूकोज के टाइप का ही। तो आज हमारा आज लेग डे है और एब्स डे है, सो मैं लेग के वही अपने कम से कम 1-2-3-4 सेट मारूंगा और एब्स के भी 2-3 ही मारूंगा, अपर लोअर एंड साइड के दोनों सेट मिला के एब्स के भी 3-4 मारूंगा। बहुत हालत टाइट होते हुए, हालत टाइट इसलिए हो रही क्योंकि लास्ट मैंने लेग की एक्सरसाइज, मेरे को याद है मैं 6 महीने या लास्ट जिम गया था मार्च में, 22 मार्च को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था या कर्फ्यू जो भी बोलो, उससे पहले लास्ट जिम गया था, उसमें भी मैंने मारा या नहीं मारा मुझे पता नहीं, बट अभी मैं मार रहा हूँ। आई कांट एक्सप्रेस मेरी क्या हालत हो रही है, लाइक मेरे पैर टूट रहे, मेरे 10 से ऊपर रेपिटेशन जा ही नहीं रहे,
तो कुछ इसका सहारा है, इसलिए 12-15 कैसे जैसे मैं खींच रहा हूँ। बट कोई नहीं, 3 सेट ख़त्म हुए, 2-3 और बाकी करते हैं, कैसे तैसे करके करेंगे। ओह माय गॉड, वो तो गए 5 सेट तैसे तैसे ख़त्म किए मैंने। बट मुझे पता है कल सुबह मेरी कैसे होने वाली, कल सुबह की छोड़ो आज की रात भी मेरे लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, बिकॉज मेरा पैर एकदम बोलते एकदम स्टोन जैसे एकदम टाइट भी हो गया एंड पंप बहुत भारी है एंड एक एक पैर की जगह मेरी पेन कर रही है। सो इतने टाइम बाद मैं लेग मार रहा हूँ तो मैं 5 के ऊपर सेट नहीं मारने वाला, क्योंकि इतना स्ट्रेस और इतना लोड मैं एक बार में नहीं दूंगा। थोड़ा थोड़ा करके लोड देना स्टार्ट करूँगा पैरों में, एक साथ में इतना दूंगा तो पैर टूट के हाथ में आ जाएंगे। सो पैर के 5 सेट ख़त्म, अब एब्स के भी 2-3 मारते फिर ना के फ्रेश होके मिलते। तो वर्कआउट भी पड़ गया एंड फ्रेश भी हो गया एंड मैंने एब्स की वर्कआउट का फुटेज नहीं डाला, क्योंकि एब्स आप जानते ही हो जो मारते हैं क्रंच एंड वही, तो मैं सोचा नहीं डालूं। एंड नेक्स्ट जब सैटरडे आएगा तब मैं एब्स की प्रॉपरली डालना स्टार्ट करूँगा। प्लस अभी मैं खाने पीने का भी वो शेड्यूल नहीं बनाया, क्योंकि अभी एक हफ्ता सक्सेसफुली मेरा हो गया। सो अब एक हफ्ते नेक्स्ट मैं खाने पीने पर ध्यान दूंगा। तो खाने पीने का सोचा है मैंने, खाने पीने का क्या क्या बनाना है, क्या क्या डालना है, वो भी मैंने सोच के रखा है। तो मंडे से मैं प्रोटीन भी लूँगा, और क्यों लूँगा, कितना प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन, वो भी मैं बताऊँगा, खाने पीने का भी मैं बताऊँगा। सो राइट नाउ आई एम सेइंग दैट मेरा जो मोटिव था आज लेग डे वो भी ख़त्म हो गया। प्लस आपको एक चीज़ दिखानी थी, वो आप कहाँ से भी मेडिकल में से ले सकते हो, आप अगर आप भी घर पे वर्कआउट करते हो या जिम जाते हो या जहाँ करते हो वर्कआउट, सो यू कैन टेक। बट याद रखना रोज़ मत लेना, महीने में कभी कभी लेना, ठीक है। सो बस अभी पाँव तो मेरे दर्द हो ही रहे, लाइक पाँव मेरे स्ट्रेट नहीं चल रहे, पाँव थोड़ा यू नो ऐसे गैप पे बन के एक पाँव चल रहे हैं। सो अभी तो पेन रात को पता चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, सुबह पता चलेगा रियल पेन क्या है। सो बस अभी के लिए दैट्स इट। एंड और प्लस आज बिग बॉस भी स्टार्ट हो रहा है, तो आई एम सो एक्साइटेड टू सी सुबह, और मैं रात को शूट भी नहीं करूँगा, इसलिए अभी एंडिंग कर रहा हूँ, अभी बाय बाय बोल रहा हूँ। सो अब कल भी मैं कहीं जाऊँगा, संडे मैं सोचा तो कहाँ जाऊँगा, अगर श्योर हुआ मैं जा रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं वहाँ पर शूट करूँगा, एंड संडे वैसे भी शूट करूँगा, रेस्ट डे। तो चलो देखते हैं कल की बात। एंड अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक और अ कमेंट। सो टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड एडवांस में गुड नाइट।